हज़रत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया, रमज़ान क्यों कहते हैं? रमज़ान का मतलब है जल जाना। किस चीज़ का जल जाना? सलातुल अव्वाबीन हीन तरमुज़ुल फ़साद। नेक लोग एक नमाज़ पढ़ते हैं, कब? जब ऊँट के पाँव जलने लगें, ऊँट के पाँव जब जलने लगें, ऊँट के बच्चे के पाँव जब जलने लगें। तो रमज़ान में जल जाना, इसका रोज़े से क्या ताल्लुक़ है? इसका रोज़े से ताल्लुक ये है कि 360 दिन साल में होते हैं चांद के लिहाज से, 330 दिन के गुनाह अल्लाह रमज़ान के रोज़ों में हर रोज़ मेरे आपके गुनाह जलाता है, जलाता है, जलाता है। भूख लगती है, एक आग बनती है, प्यास लगती है, एक आग बनती है। तो हमारे लकड़ी की आग में चीज़ें जलती हैं और हमारे भूख, रोज़े की भूख की आग में गुनाह जलते हैं, और 29वें रोज़े अल्लाह सारे साल के गुनाहों को जला के रोज़े वाला या रोज़े वाली को ऐसे पाक कर देता है जैसे आज माँ के पेट से निकलो, ऐसे उनको खूबसूरत कर देता है। हज का महीना आया, आमाल उसी तरह हैं जैसे होते हैं। रमज़ान का महीना आया तो मेरे नबी का ऐलान हो गया, एक फ़र्ज 70 फ़र्ज के बराबर हो जाता है तुम्हारा, नफल फ़र्ज के बराबर। फ़र्ज और नफल में फ़र्क क्या है? हज़रत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया, फिर क़यामत तक उसकी कज़ा में नफल रोज़े रखता रहा तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। एक नमाज छोड़ दी और फिर उसकी कज़ा में क़यामत तक नफल पढ़ता रहा तो फ़र्ज़ नमाज की एक रकात के एक सजदे के बराबर भी नहीं है। फ़र्ज़ में इतनी ताकत है। तो अल्लाह की रहमत कैसे मुतवज्जे होती है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब की उम्मत है, एक फ़र्ज़ को 70 के बराबर कर दो, और फिर फरमाते हैं नफल को फ़र्ज़ों के बराबर कर दो, और फिर फरमाते हैं जो रात को तरावी पढ़ेगा दिन में रोज़ा रखेगा, आखिरी रात उसे ऐसे धो दूंगा, धो के पाक कर दूंगा कि उसके ज़िम्मे गुनाह का एक ज़र्रा भी बाकी नहीं बचेगा, सब गुनाह अल्लाह ताला उसके मुआफ़ फरमा देगा। और मेरे नबी ने फरमाया मन साम रमादान ईमानन व एहतसाबा, दूसरी भी मन काम रमादान ईमानन व एहतसाबा, जिसने रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसने तरावी पढ़ी अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके पिछले ज़िंदगी के सारे गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। रात का क़याम किसी उम्मत को नहीं मिला। देखो रोज़ा सख्त था तो उनका क़ियामुल्लैल नहीं था, चूँकि वो अपनी किताब पढ़ सकते ही नहीं थे। रमज़ान में अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी, यकम रमज़ान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, दो रमज़ान को तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, 8 या 6 रमज़ान को ईसा अलैहिस्सलाम उन पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर उन पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को उतारा, और 12 या 18 रमज़ान को ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को उतारा, और 21 रमज़ान को अल्लाह ताला ने पीर की रात लैलतुल क़द्र में ग़ारे हिरा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर किताब को उतारा। वो किताबें फुल आ गईं, लिखी लिखाई। कुरान फुल नहीं आया, कुरान सिर्फ एक सूरत के 19 अल्फाज आए बस, और फिर 23 बरस में कुरान उतरा। कितने अंबिया ऐसे गुजरे हैं जिनके पास जिब्रील ज़िंदगी में एक दफ़ा आया, ज़िंदगी में जिब्रील एक दफ़ा, और एक से लेकर आगे कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, 100 दफ़ा 200 दफ़ा। लेकिन आप हैरान होंगे, हमारे नबी पर जिब्रील 23 बरस में 24,000 दफ़ा आए, 24,000 दफ़ा, जो एक
अजब अल अजायब है, अजब अल अजायब है। तो मेरे भाइयों, रात की तरावी, दिन का रोज़ा, तरावी में क्या मिलने वाला है? मेरे नबी का फरमान है, हर सजदे पे 1,500 नेकी, हर सजदे पे 1,500 नेकी। थोड़ी अपनी कारोबारी मसरूफियत घटाओ, अपनी कारोबारी मशक्क़त घटाओ, अपने मुलाजमों की भी मशक्क़त घटाओ, ताकि वो तरावी पढ़ सकें, रोज़ा रख सकें, बशाशत से पढ़ सकें। और अल्लाह का फजल है, धीरे से ढीला हाफिज़ भी हो तो 1.25 घंटे में सारा कुछ निमट जाता है। इतनी सी हिम्मत करो मेरे भाइयों कि इफ्तारी में थोड़ा खाओ। अगर तुम पहलवानों की तरह शुरू हो गया ना, फिर तो तुमसे इशा भी नहीं पढ़ी जाएगी, तरावी तुमने क्या पढ़नी। रोज़ा जिस्म की फालतू चीज़ों को जलाता है, रोज़ा एक कुव्वत पैदा करता है ईमानी शैतान के ख़िलाफ़। वो कैसे पैदा करता है शैतान के ख़िलाफ़? अल्लाह ताला हलाल को भी हराम कर देता है। जब बीवी को भी शहवत से देखना हराम हो गया और ये इस पे काबू पा गया, तो औरत औरों की इज्जत को ये हराम नज़र से क्यों देखेगा? जब ये हलाल खाना छोड़ गया तो ये झूठ क्यों बोलेगा, ये गाली क्यों देगा, ये गीबत क्यों करेगा? जब ये कान में दवाई डालना छोड़ गया कि रोज़ा टूट जाता है, तो ये औरों की गीबत क्यों सुनेगा, औरों की बुराई क्यों सुनेगा? जब ये आँख में दवाई नहीं डालता है कि वो हलक में जाती, वहाँ से वो पेट में चली जाती है, रोज़ा टूट जाता है, तो ये इन आँखों से गलत क्यों देखेगा? ये गलत क्यों किसी की इज्जत के ऊपर अपनी बददियानत नज़र को डालेगा? तो जब ये अंधेरे में बंद कमरे में ठंडा पानी पड़ा हुआ है और हाथ नहीं लगाता है और अल्लाह का ध्यान उसे याद होता है कि अल्लाह देख रहा है, नहाते हुए होंठ बंद कर लेता है कि कोई पानी का कतरा मुंह में ना चला जाए और मेरा रोज़ा ना टूट जाए, ख़राब ना हो जाए, तो ये जब अल्लाह का इतना ध्यान इसको नसीब हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है, वरना क्या किसी को क्या खबर कि मैं 2 गिलास पानी पीता या मैं प्यास से बोल रहा हूँ। तो जब वो अल्लाह को इतना अपने ध्यान में ले आता है कि अल्लाह देख रहा है मैं पानी नहीं पीऊँगा, अल्लाह देख रहा है मैं बीवी को हाथ नहीं लगाऊँगा, अल्लाह देख रहा है मैं किसी की इज्जत पर बुरी नज़र नहीं डालूँगा, अल्लाह देख रहा है मैं किसी की बुराई नहीं सुनूँगा, अल्लाह देख रहा है मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, तो फिर जब ये बाज़ार में जाएगा तो झूठ तो नहीं बोलेगा, जब ये तोलेगा तो गलत तो नहीं तोलेगा। हाँ, ये अलग बात है, बहुत से मुझे मिले कजबत रमज़ान में झूठ छोड़ देते हैं, उस तो बाद फिर शुरू हो जावी था रमज़ान में रिश्वत नहीं लेता हूँ, उस तो बाद फिर शुरू हो जाता है। तो चलो शुक्र है, 1 महीना तो मुसलमान रहते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि रिश्वत खोर का तजुर्बा रमज़ान में? नहीं जी, नहीं, रमज़ान में झूठ नहीं बोलना, रमज़ान में सही तोलना है, रमज़ान में गलत नहीं तोलना। क्यों? शैतान कैद हो जाते। रमज़ान में नमाजी क्यों बढ़ जाते हैं? शैतान कैद हो जाते। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमज़ान में शैतान कैद किए जाएँ, इस उम्मत को मिला रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमज़ान में जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाएं, इस उम्मत को मिला है रमज़ान में जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि इनके लिए हर मखलूक दुआ करे रमज़ान के महीने में, इस उम्मत को ये मिला है कि इनके रोज़ा रखने वालों के लिए चींटियाँ भी दुआ करती, परिंदे भी दुआ करते हैं, मछलियाँ भी दुआ करती हैं, हवाएँ दुआ करती हैं, हर शय दुआ करती है रोज़ा रखने वाले की, इस उम्मत को मिला। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि आखिरी रात उनकी सबकी बख्शिश हो जाए, इस उम्मत को मिला है कि रमज़ान की आखिरी रात सबकी बख्शिश हो जाती। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि जन्नत की हूरें उन्हें रोज़ों में याद करें, इस उम्मत को मिला है कि अल्लाह ताला जन्नत को कहता है कि तू तैयार हो जा, मेकअप कर ले, मेरे बंदे आ रहे हैं, दुल्हन बन जा, सज धज के मुझे दिखा दे ताकि मैं अपने बंदों को पेश करूं तोहफे के तौर पर। यह है तुम्हारी भूख का बदला, यह है तुम्हारी प्यास का बदला।